सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके चैप्टर 2 के सी एक्सरसाइज के बाद डी एक्सरसाइज लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में आपने सी एक्सरसाइज तक पढ़ लिया था। डी एक्सरसाइज में भी आपको एडिशन है, बस थोड़े अब लॉजिकल एडिशन है, आपको कुछ जगह मिसिंग है नंबर्स, वो विल करने हैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी कर पाएंगे आप, नहीं तो नहीं होगा। देखें, अच्छे से समझें और इसको पता करें कैसे आंसर फिल करने। देखें, हमने यहाँ दिया है 2 और 5, इसके नीचे बॉक्स बनाए, तो 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। बहुत आसान था ये, तो बहुत आसान था। अभी हमें यहाँ 6 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, नीचे 1 लिखा है, मतलब हमें 6 में कुछ ऐसा ऐड करना है कि नीचे 1 आ जाए। 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 6 में 3 ऐड करोगे 9 आएगा, 6 में 4 ऐड करोगे 10 आएगा, लेकिन 6 में 5 ऐड करोगे, 11 आएगा। तो हम यहाँ 11 का 1 लिख सकते हैं और कैरी 1 लगा सकते हैं, सही है ना? तो हम क्या करेंगे, 6 में 5 ऐड करेंगे, तो आपको ये ऐसे ऐड करके पता करना पड़ेगा। तो 6 में हम 5 ऐड करेंगे तो 11 का 1 कैरी आ गई हमारी 1। अब 9 में 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब 10 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए, तो 10 में 2 ऐड करूं तो 12 आएगा। 10 में कितना ऐड करूं? 2, तो 12 आएगा, 12 की 2, और फिर से यहाँ क्या आएगा? कैरी 1। अब यहाँ 4 और 4 8, और 8 और 1 तो यहाँ आएगा 9, कैरी कोई नहीं है। 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि 8 आ जाए, तो 3 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 5। तो जो बॉक्स में जो नंबर लिखे हैं ना, वही हमारे आंसर है, क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट देख लें, 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि 2 आ जाए, बहुत अजीब है, 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि 2 आ जाए, तो 4 में आप 6 तक ऐड कर लो, 10 आएगा, 0 आएगा, 2 तो कब आएगा? जब 12 बन जाए, क्योंकि 4 के बाद तो 2 मिलेगा कहाँ पर? 12 में। तो 4 में अगर मैं कितना ऐड करूँ कि 12 आ जाए, तो 4 में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 8, क्योंकि 8 और 4 कितना होता है? 12, और कैरी कितनी लगेगी? 1। अब 8 और 1 कितना हो गया? 9। अब 9 में मैं क्या ऐड करूँगा लास्ट में 4 आ जाए, तो 9 के आगे चलेंगे 10, 11, 12, 13, 14 में आता है ना 4, तो 9 में 5 ऐड करना पड़ेगा हमें, तो कितना आएगा? 14, फिर से लगेगी हमारी कैरी। अब देखना ध्यान से, 1 और 0 तो 1 होता है, लेकिन अब 1 में क्या ऐड करें कि बॉक्स में क्या लिखें कि 0 आ जाए, तो 1 के बाद तो 0 10 में मिलता है, तो 9 और 1 करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? 9 और 1 10, 10 का आएगा 0, फिर लगेगी क्या? कैरी। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 6 में ऐड करेंगे 2 तो आंसर आ जाएगा 8। इस तरह से आपको करना है। इसको देखें, 6 और 0 कितना होता है? 6। 2 में क्या ऐड करेंगे 6 आ जाए? 2 और 4 6 होता है। 0 में क्या ऐड करेंगे? 4 आ जाए, तो 0 में तो 4 ही ऐड करना पड़ेगा, तभी 4 आएगा। 1 में क्या ऐड करेंगे? 3 आ जाए, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो बहुत आसान था, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, बस आपको एडिशन अच्छे से आने चाहिए। तो ये आपकी जो चैप्टर 2 की डी एक्सरसाइज थी, वो भी फिनिश हो गई है। एक लास्ट एक्सरसाइज है, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।